ओवर के ऊपर ही मजार बना दी गई है, अवैध रूप से कब्जा है। क्या जैसे मट्टी डाली, मलबा डाला, सब चीज डाला तो मजार दब गई, साइड पे दिक्कतें आने लगी। नॉर्मल सी बात होती है ना, कहीं पे जैसे छोटा सा मंदिर होता है, अगर आप उसे तोड़ दो तो ऊपर वाला तो अपना दिखाता ही है। एक बार मतलब हट गई थी, बाद में कुछ अल्लाह का प्रकोप इस तरीके से मान सकते हैं, वो जब बरसा तो लोगों को समझ में आई ये चीजें और फिर से ये मजार वापस। जब पुल बना था तो इसको हटाने की कोशिश भी कोई की गई? हाँ, की गई थी, कहते कि नीचे कर देंगे, लेकिन वो जैसे काम करने लगे फिर वही बात आ गई कि मशीनें खराब होना शुरू हो गई। ये तो नई बाजार है, ये मतलब कितने दिनों से, कितने सालों से बनी हुई है ये पुल के ऊपर जो है मज़ार? मेरे हिसाब से सन 82-83 में बनी है पुल के ऊपर, दादा बताते हैं। हाँ, पुल के ऊपर बनी हुई थी? हाँ, पुल के ऊपर। कहते हैं फ्लाई ओवर ही नहीं था 1982 में, तो ऊपर तो ये और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद है आजादपुर के फ्लाईओवर के ऊपर। लगातार आपने देखा होगा कि ये जो मजार यहाँ पर बनी हुई है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार इसकी जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया पर जमकर इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। इस पूरे मजार की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ये अवैध है या वाकई में इसके पीछे कुछ और सच्चाई है? इससे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जो देख रेख करते हैं उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए और कब से आप इसकी देख रेख कर रहे हैं इस मजार? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जी सिकंदर है और इसकी देखभाल हमारे जो परिवार के पूर्वज हैं, जब मैं 5 या 7 साल का था तब से कर रहे हैं और आज मेरी उम्र 33 साल है। पहले हमारे दादा साहब बैठते थे, मरहूम अलाउद्दीन साहब, फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब बैठने लगे, मरहूम कमालुद्दीन साहब, उसके बाद मैं बैठने लगा हूँ। अब पूछे क्या जानना चाहते हैं सर? तो ये जो मजार है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे कह रहा है कि फ्लाईओवर के ऊपर ये मजार बना दी गई है, अवैध रूप से कब्जा है, इस तरीके के सवालों पे क्या? जी नहीं, अवैध रूप से नहीं बनी है ये मजार। पहले नीचे थी, जो कॉन्ट्रैक्टर आते गए उन्होंने ये मजार ऊपर करी है, हमने नहीं करी है अपनी। लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि जो मजार है वो फ्लाईओवर के ऊपर कैसे आ गई, जब नीचे थी तो नीचे ही रहनी थी फ्लाईओवर के ऊपर। एक्चुअली क्या, जैसे मट्टी डाली, मलबा डाला, सब चीज़ डाला तो मजार दब गई, साइड पे दिक्कतें आने लगी। नॉर्मल सी बात होती है ना, कहीं पे जैसे छोटा सा मंदिर होता है, अगर आप उसे तोड़ दो तो ऊपर वाला तो अपना दिखाता ही है, तो साइड पे थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो जब दिक्कतें आनी शुरू हो गई तो यहाँ के रहने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा मजार है। तो उन्होंने जब वो काम 4 ईंटें रख के बनाकर चले गए, उसके बाद में जैसे काम पूरा हो गया तो पूरे अच्छी तरीके से बनाकर मजार को पूरी अच्छी तरीके से चले गए। मजार एक बार मतलब हट गई थी, बाद में कुछ अल्लाह का प्रकोप इस तरीके से मान सकते हैं, वो जब बरसा तो लोगों को समझ में आई ये चीज़ें और फिर से ये मजार वापस हटी नहीं थी। एक्चुअली क्या है कि वो जाने अनजाने में मट्टी के नीचे दब गई थी, एक होता है ना जाने अनजाने में। ये तो नई बाजार है, ये मतलब कितने दिनों से, कितने सालों से बनी हुई है ये पुल के ऊपर? जो है मजार मेरे हिसाब से सन 82-83 में बनी है। पुल के ऊपर दादा बताते हैं। हाँ, पुल के ऊपर बनी हुई थी? हाँ, पुल के ऊपर। कहते हैं फ्लाईओवर ही नहीं था 1982 में, तो ऊपर तो ये नहीं। जब वो काम चल रहा था ना फ्लाईओवर का, जब पहले कोई गेम चालू हुए थे, वो एक हमारे अंकल जी हैं वो बतलाते हैं, हाँ तब उस दौरान में करी गई थी ऊपर, ये उसी टाइम से ऊपर बनी हुई है इसके। और ये फ्लाईओवर जो है वो भी उसी टाइम से? नहीं, ये दोबारा से बना है। पहले ये वाला फ्लाईओवर नहीं था जो मुकंदपुर से आ रहा है, खाली पहले यही था सिंगल जो पंजाबी बाग के लिए जाता था। जब ये दोबारा से बनी है 2009 में फ्लाईओवर, तब ये मज़ार वहाँ तलक हुआ करती थी, ये यहाँ तलक, उसके बाद में हाँ ये यहाँ तलक हुआ करती थी और उसका गेट वहाँ पर था। हाँ, इस साइड में गेट था, ये जो पाइप देख रहे हो ना, पाइप से भी आगे यहाँ पर था गेट। तो वो इधर किया गया, ये गेट कॉन्ट्रैक्टर ने करा खुद। तो हमने तो उनसे कही थी कि आप नीचे कर दो, लेकिन उनको अंदर इतनी सलाहियत थी नहीं, या फिर अपने अफसरों से बात करी उन्होंने, तो बहरहाल हमें यहाँ पे ऐसे बनाकर दे दी। ये छत की जगह पे टीने डाल रखी थी उन्होंने, वो पत्थर मार मार के शराबियों ने टीने तोड़ दी। तो वो कोई भगत आए, उन्होंने कहा कि हम छज्जा डलवा लेते, हमारी थाने में भी बात हुई थी छज्जे को लेके, वहाँ से बात करके उसके बाद में हुआ है सब कुछ। जब पुल बना था तो इसको हटाने की कोशिश भी कोई की गई? हाँ, की गई थी, कहते कि नीचे कर देंगे, लेकिन वो जैसे काम करने लगे फिर वही बात आ गई कि मशीनें खराब होना शुरू हो गई। तो कागज़ वगैरह हैं वो मतलब प्रॉपर हैं, जमा
हाँ, SDM ऑफिस में मिल जाएंगे आपको। हमारे वालिद साहब थे तब हमें होश भी नहीं था इतना। हमारे वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है। हमारे वालिद साहब ने सन 2009 में शायद सारे पेपर वहाँ पे जमा करवाए थे, जो एग्रीमेंट यहाँ का बना था ना SDM ऑफिस में, PWD के अंडर में। हाँ, आप देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद जय। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? सर की बात, अच्छे हो, आदर्श नगर हूँ। चांदनी चौक में मंदिर टूटा, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात की थी, खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू स्टैंड वार्निंग जेंटलमैन, समझ गए? आपके ऊपर एक्शन चलिए, इसलिए आपके साथ ही एक्शन लिया जा रहा है, क्या कारण है भाई? मेरी बस राम डिटेनिंग यू अंडर 65 वीडियो बना, वीडियो बना, चलिए बना वीडियो। लेकिन सर किस लिए डर रहे हैं? अरे सर मुझसे क्यों डर रहे हो आप? मैं डर क्यों रहूंगा? मैं लेकर आऊंगा सर, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, चला लेकर जाएगा सर। गाड़ियों के नंबर नोट करो, सिकंदर अपनी बात रख सकता है, ये लोग अपनी बात नहीं रख इस तरीके से, नहीं है, दे हैव टू टेक लीगल रिकॉर्ड्स। तो अपनी बात ही तो रख रहे हैं यहाँ पे, मैं जब सिकंदर की बात रखी जा सकती है, चलो यहाँ से, तो हिंदू भाई की बात क्यों नहीं रखी? अंदर का इशू मत क्रिएट करिए, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैंने आपको लॉकडाउन से रिक्वेस्ट की, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं भी रिक्वेस्ट, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, दिस इज नॉट द वे। आप, मैंने सिकंदर की पूरा इंटरव्यू, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेज सच सेंसिटिव इशू इन ऑन अ रोड साइड पे। एक बात बताइए सर, दे आर नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी। सिकंदर जी को बुला लीजिए, हम लोग कम थे, भगा दिया यहाँ से, और यही अगर मुसलमान होते तो यहीं पे हाथ जोड़ते इनके आगे कि भैया ठीक है आप लोग करना जो भी करना आराम से करो, यहीं पर रोड रोक कर करके लोग नमाज पढ़वाते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ शांति से आप लोग सवाल पूछ रहे हो, तब आप लोगों को धक्का मार। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद है आजादपुर का फ्लाईओवर के ऊपर। ये जो मजार है, लगातार इसकी जो फोटोज है, वीडियोज है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आप सबने इस पर देखी होगी। लगातार ये चर्चा का विषय बनी हुई है, कोई इसे अवैध बता रहा है, कोई और चीजें आ रही है, कोई लोग कह रहे हैं फ्लाईओवर बनने के बाद बनाई गई है, कई लोग कह रहे हैं फ्लाईओवर से पहले की ये बनी हुई है। हमने यहाँ के जो मजार की जो देखरेख करते हैं उनसे बात की, सिकंदर जी उनका नाम है। सिकंदर जी ने हमें बताया कि ये जो मजार है वो 1982 से यहाँ पर बनी हुई है, और उनका दावा है कुछ टाइम पर खेल हुए थे एशियाड गेम्स, उस एशियाड गेम्स के टाइम पर ये मजार बनाई गई थी। लेकिन यहाँ के जो निवासी है, जो लोग हैं, उनका क्या कहना है, वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, वो जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय गडरिया जी। आप इसी क्षेत्र से? हाँ जी, इसी क्षेत्र से हूँ मैं। ये मजार आप कब से यहाँ पे देख रहे हैं? ये मजार मैं करीबन यहाँ से देख रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से? तो ये मजार फ्लाईओवर के ऊपर कैसे मतलब आ गई? अवैध कब्जा है या फिर रियलिटी कुछ? ये अवैध कब्जा ही है, ये हर जगह जगह इनका क्या करते हैं, ये करते हैं अपने बिजनेस खोल रखा है हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का। और हिंदू क्या है, हिंदू को कुछ पता तो है नहीं अपने धर्म के बारे में, ठीक है। 33 कोटी को 33 करोड़ बताता है, ठीक है, और शिवलिंग का मजाक उड़ाता है। शिवलिंग, लिंग का मतलब प्रतीक होता है और लिंग का मतलब कुछ और समझता है वो, ठीक है। हिंदू को खुद नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, और ज़्यादातर मोस्टली हिंदू ही आता है यहाँ पर, जिसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है। कोई मुसलमान यहाँ नहीं आता, कोई ईसाई यहाँ नहीं आता, ठीक है, सिर्फ हिंदू आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदू को ज़रूरत है वो जानने की, पूछ किसको रहा है, आप ये देखिए पहले एक बार, ये पूछ किसको रहा है, इनको खुद अपने दादा परदादा का पता नहीं है। ये तो खामा खाकी वो है, खुद मुसलमान नहीं आता यहाँ पर। मुसलमान के धर्म में भी ये चीज़ जो है, मुसलमान का जो मजहब है उसके अंदर भी ये चीज़ गुनाह है, अगर आप पीर मजार को पूछते हो तो गुनाह है इस चीज़ का, ठीक है। तो हिंदू ही आता है इस चीज़ को करने के लिए, तो ये चीज़ सरासर गलत है। आप हिंदू को पता चलना चाहिए ना, हिंदू का धर्म ने पता है, धर्म का नंबर उनसे पूछ लो हिंदू का, भाई तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो बताएंगे हिंदू धर्म है। अरे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है भाई, धर्म तो सिर्फ एक ही है सनातन, बाकी मजहब है, पंथ है, जाति है। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो भाई साहब है, भाई साहब आपका नाम क्या है? सर अपना नाम सिकंदर। देखो ये कि सिकंदर नाम है, पूरा नाम क्या सर? सिकंदर दीन। सिकंदर दीन, सिकंदर दीन नाम है इनका। ये है मुस्लिम, मुस्लिम है सर आप? जी जी मुस्लिम है जी। सर आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ जी। ये थोड़ा जी पढ़ता हूँ जी, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे सर आप, ठीक है जी। आप ये बताइए, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं जी? आप इस्लाम के अंदर कितना जायज है ये मजार को पूजना, इस्लाम के अंदर जायज है क्या मधुबत्ती जलाना? जायज़ है, कौन कहता ना जायज़ जी, कौन कहता ना जायज़ आप? ये तो इसके अंदर इस्लाम के अंदर ही नहीं है, कुरान के अंदर, कुरान पाक में भी ये चीज़ का जिक्र किया गया कि ये तो नाजायज है, ये इससे हराम है। मूर्ति पूजा हराम है,
मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी आयत में ये लिखा है कि ये पूजना वो चीज है, इसको पूजा करना, किसी चीज की बुत की पूजा करना हराम है जी, बुत की पूजा करना हराम है, बुत की पूजा करना हराम है। मुझे बताइए हर जगह ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपका बिजनेस चल रहा है इस चीज को कि हर जगह ये जो रोड के पीछे ही कोई ना कोई मर जाता है, ठीक है। मुझे बताइए आपके, मैंने एक वीडियो देखी थी अभी भाई साहब के चैनल के माध्यम से कि आपने उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि 1982 के अंदर ये मजार बनी हुई है और 1982 के से पहले ये पुल के ऊपर मजार बनी हुई है। और आप बताइए पुल कितने दिन पहला बना था यहाँ पर, जो पुराना वाला पुल था, झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा भाई, मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा, जो पुराना पुल बना था ना, जो पुराना वाला था जी, जो धोला कुआं सीधा जाता था जी, अब तो ये वाले पुल तो नए बने सन 2009 में, अच्छा ठीक है ना, उससे पहले सन 82 में पुल बने थे जब एशियन आर्ट खेल हुए थे ना जी इंडिया में। ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे बुजुर्ग बता के गए मुझे जिनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। अब मरे हुए को तो नहीं ला सकते यहाँ पे, अच्छा। मरे हुए को तो नहीं ला सकते है ना। अच्छा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल है आपकी उम्र जी। रहते कहाँ हैं? यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते हैं, कहाँ पर है, बच्चे कहाँ रहते हैं? मंडी में उधर। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं जी। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? सर की बात, सच्चो आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? भारत के अगर आपको कोई रिकॉर्ड लेना है, यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू टेक लीगल। मेरा नाम इंस्पेक्टर सीपी भारद्वाज है। जेंटलमैन, यू हैव टू टेक लीगल रिकॉर्ड। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार मास्क उतार के हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। एसओ साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, दिल्ली गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड ए कमिटी, रिलीजियस कमिटी, टू सेटल सच स्ट्रक्चर्स। इफ दिस जेंटलमैन हैव एनी प्रॉब्लम, he shall move a representative to Delhi government. Okay, this is not Delhi. Delhi sarkar ne mazar banayi bil, Delhi sarkar ne, aapko pata hai, Delhi sarkar ne ek religious committee banayi hui hai jisme isme kisi bhi prakar ke aise structure ko review kiya jata hai, har segment ko, stakeholders ko uske views liye jate hain, aur agar aisa koi structure kisi bhi prakar ke hindrance transport ke flow mein वादा पैदा करा होता है, उसे शिफ्ट किया जाता है। सुनी चौक में मंदिर टूटा, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात कीजिए। आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी रिलीजियस पर्सन को ऐसे आके बुलिंग नहीं करेंगे, आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन, समझ गए? आपके ऊपर एक्शन हम लेंगे। लेके चलिए, लेके चलो, अरे गाड़ी पे लेके चलो, आप कैसे बुलिंग कर सकते हैं किसी को? सर मुझसे बात कीजिए, वो उसने बुलाया तो नहीं था ना, था ना गाड़ी में बेटा, इसलिए आपके साथ ये एक्शन लिया जा रहा है, क्या कारण है भाई? मेरी बात सुनो, डिटेनिंग यू अंडर 65 डिग्री, वीडियो बना, वीडियो बना, चलिए बना वीडियो, लेके चलिए आप लोग तेरी राजनीति। एसएचओ सर जो है, एसएचओ सर से बात करते हैं सर। मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करके उनके सिकंदर जी की पूरी बात कल पूरी दिखाई है, 1982 की बनी हुई मजार उन्होंने बताई सारी चीजें, हमने एक बार भी वो चीजें नहीं कही। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू दैट दिस इज नॉट वे टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। यू कांट बिलीव बुली एन इंडिविजुअल, उनको बुलाया था, उन्होंने बुलाया, नो दिस इज द रॉन्ग थिंग ना, उन्होंने उनकी बात पूरी रिकॉर्ड की। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उनकी बात पूरी, ए ग्रुप ऑफ, ए सेक्शन ऑफ ग्रुप इज कमिंग हियर and bullying the resident. We have to maintain law and order. किसको bullying किया? सर किसको? चलिए भाई यहाँ से, bullying किसको? निकले यहाँ से। वो तो यहाँ पे पुल पे थे ही नहीं जब ये लोग यहाँ पर आए थे। सर वो लोग तो, ये तो पुल पे यहाँ पे थे ही नहीं जब ये लोग यहाँ पर आए थे, तब तो ये पुल पे थे ही नहीं। गाड़ियों के नंबर नोट करो। सिकंदर अपनी बात रख सकते हैं, तो ये लोग अपनी बात नहीं रख। इस तरीके से नहीं है। They have to take legal recourse. अपनी बात ही तो रख रहे हैं यहाँ पे, माइक पे जब सिकंदर की बात रखी जा सकती है,
तो उस हिंदू भाई की बात क्यों नहीं रखी सकते? चलिए यहाँ से। सर जिस तरह से आपके हिंदू भाई को ही उठा लिया जाता है सिकंदर साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे हिंदू में तो कोई बोलने वाला नहीं, सिकंदर की बात तो दिक्कत नहीं थी इनके पास। हाँ हम लोगों से दिक्कत है ना भाई, और यही हाल होगा जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ना हिंदू, यही हाल होगा। अभी अगर यहाँ मुसलमान इकट्ठे होते तो अभी तक ये लोग हाथ जोड़ते, पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती इनको मारने के लिए। पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी हो गई आके और कह रहे कि जो दिल्ली सरकार है वो इनके लिए कमेटी बना रखी है, दिल्ली सरकार सब कुछ नहीं होना इनका भाई। ये पुलिस वाले प्रशासन भी शासन के ऊपर ही काम करता है, ठीक है? अभी हम लोग कम थे, भगा दिया यहाँ से, और यही अगर मुसलमान होते तो यहीं पर हाथ जोड़ते इनके आगे कि भैया ठीक है आप लोग करना जो भी करना आराम से करो। यहीं पर रोड रोक कर करके लोग नमाज पढ़वाते हैं, आज यहाँ पे सिर्फ शांति से आप लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हो तब आप लोगों को धक्का मारा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, अगर इसके बीच में मजार बनी है तब हिंदू को एक भी दिक्कत नहीं हुई, हिंदू खुद आके मत्था टेक लेता है। लेकिन आज अगर कोई हिंदूवादी अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात को दबा दिया भाई, उनको मालूम है ना, इनको भी मालूम है कि हिंदू कुछ नहीं करेगा, इनको दो डंडा दिखाओ ये भागेगा। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है और कोई नहीं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सिकंदर जी को बुला लीजिए, मैंने उनकी पूरी बात आपकी उम्र कितनी है बस भाई, चलो ऐसे नहीं करेंगे आप, चलिए कर रहे हैं स्टार्ट करो भाई, इधर आ जाओ। जरा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा ले क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।